तो आखिर क्यों उठाए अश्विन ने कोच रवि शास्त्री पर सवाल। तो आपको बता दें कि भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टीम इंडिया के पिछले कुछ सालों में अपने साथ हुए बर्ताव के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया है कि साल 2018 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर जिस तरह से उनकी अनदेखी हुई उसने उनको काफी निराश किया। तो अश्विन का कहना है कि उस समय वह टीम से खुद को काफी अलग थलग पा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि सबने उनको अकेला छोड़ दिया है। तो हम आपको बता दें कि ये बात तब की है जब 2018 में सिडनी टेस्ट के दौरान कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए। तो इसी संदर्भ में रवि शास्त्री ने एक बयान दिया जिसके कारण रविचंद्रन अश्विन काफी निराश हुए। तो हम आपको बता दें कि रवि शास्त्री ने कहा था कि कुलदीप यादव विदेशों में वे भारत के नंबर वन स्पिनर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि हर किसी का समय आता है। तो उनके इस बयान को अश्विन की अनदेखी के रूप में लिया गया था। तो आइए हम आपको बताते हैं कि रविचंद्रन अश्विन ने क्या बयान दिया। तो उन्होंने बोला कि मैंने रवि भाई शास्त्री को काफी सम्मान दिया और मेरा मानना है कि हम कुछ बातें कहते हैं और फिर उन्हें वापस ले लेते हैं, लेकिन उस समय एक पल में मैंने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, बल्कि पूरी तरह से टूटा हुआ। कई मौकों पर मैंने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन 5 विकेट नहीं ले पाया। यदि मुझे महसूस होगा कि मुझे अकेला छोड़ दिया गया है तो फिर मैं कैसे टीम या टीम के साथ की सफलता की पार्टी या फिर कुछ भी इंजॉय कर पाऊंगा। हालांकि मैं अपने कमरे में गया उस दिन, मुझे इस बात का बुरा लगा, मैंने अपनी फैमिली से बातचीत करी और उसके बाद मैं फिर भी पार्टी में गया क्योंकि हमने एक बड़ी सीरीज जीती थी। इतना ही नहीं, अश्विन को इसी दौरान संन्यास लेने के भी विचार आए थे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो पिछले कुछ सालों में अलग अलग तरह की चोटों से जूझ रहे थे लेकिन इस पर भी किसी का ध्यान नहीं गया, तो इसके चलते उनके मन में कई बार संन्यास लेने का भी ख्याल आया था। तो ये थी अश्विन और रवि शास्त्री के बीच की कंट्रोवर्सी की सारी डिटेल्स। वहीं बाकी और जानकारी के लिए आप india.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।